ताली होनी चाहिए कराची किंग की जीत के लिए सबसे पहले तो। बहुत ही जबरदस्त, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं सलमान भाई। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तालियां होनी चाहिए एक बार फिर कराची के लिए शदीद। सलमान भाई सारा पाकिस्तान सुन रहा है, सारे कराची के लोग सुन रहे हैं, हमारे पास ट्रेन नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास कराची किंग की ट्रॉफी तो है, ऐसा है कि नहीं है? हमारे पास ट्रेन क्यों नहीं है, चल गई है, मैंने सुना चल गई। हाँ क्या कहना चाहेंगे सलमान भाई? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हमारे सारे कराची के फैंस जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में है, Absolutely. उन सबको बहुत बहुत शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा 5 साल साथ दिया और सब्र के साथ साथ दिया हमारा। क्या बात, क्या बात। और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक 2020 हमारा साल था तो हो गया मैच, हमने बहुत अच्छी तरह से जीता मैच को, और जो एक थी ना फाइनल में आने की ख्वाहिश, और फाइनल में लाहौर के साथ एक ख्वाहिश थी, वो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ने डबल ख्वाहिश पूरी की है, डबल खुशियाँ दी हैं, और बस इंशाल्लाह दुआ करें कि अगले साल। पर ये मुझे अफसोस रहेगा कि हम जो है ना पूरे एक साल के लिए चैंपियन नहीं बन सके। हाँ। हम सिर्फ 3-4 महीने के लिए चैंपियन होंगे। चले अल्लाह अल्लाह और कामयाब करें इंशाल्लाह, और आगे भी ऐसे ही कराची किंग जीतता रहे। और एक और खुशखबरी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं सलमान भाई, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। आज मेरा 700 शो है जीतो पाकिस्तान का, बस आप अपना वादा वो वाला पूरा कर दें, बाकी गिनीज वालों से हम निपट लेंगे, टेंशन नहीं है। एक हाथ में ग्लव, दूसरे हाथ में ग्लव के लिए आपको।